हेलो फ्रेंड्स, हम 3 साल बच्चे के लिए फ्रॉक कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। चलिए मैं आपको पैटर्न पहले समझा देता हूँ किस तरह है। फ्रेंड्स, ये हमारा बॉडी वाला पैटर्न है। बॉडी हम कली का डिजाइन डालेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा जो इंसान की 1 इंच है, ये हमारा बॉडी में जो अटैच रहेगा उसका मार्जिन है। हमें बॉडी हमारा इस तरह अटैच रहने वाला है। तो हमारा यहाँ से चेस्ट है 6 इंच फॉल में है, कमर के नीचे 5 इंच फॉल में, बॉडी का लंबाई है 8 इंच। फ्रेंड्स, ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया। इस तरह हमारा ये बैग वाला पार्ट है। ये जो आप देख रहे हो निशान, ये हमारा सेम है बॉडी का। देखिए, ये चेन का मार्जिन है 1 इंच एक्स्ट्रा, और हमारा 1 इंच बैग का ये ऊपर से ज़्यादा रहने वाला है। ये हमारा बॉडी का पार्ट हो गया। फ्रेंड्स, ये हमारा कॉलर का पार्ट है। देखिए, अगर आपको तो समझ में नहीं आ रहा तो ये देखिए, आपको फॉल में इस तरह से 4 इंच में रहना है, और लंबाई 4.5 रहना है, और कॉलर का जो चौड़ाई है 1.5 इंच का रहना है आपको। देखिए 1.5 इंच। फ्रेंड्स, ये हमारा बॉडी वाला पार्ट हो गया है। ये हमारा घेरा है। घेरे का लंबाई है 11 इंच, और जितना हमारा कमर है इतना हमारा यहाँ पे रहने वाला है 5 इंच फॉर्म में। और घेरे का डांसर है 14 दिन 28 एक साइड का पौधा है। फ्रेंड्स, ये हमारा पैटर्न हो गया है। चलिए मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हम पहले बॉडी वाला पार्ट में हम ये पट्टी जो मैचिंग पट्टी दी हमने 1.5 इंच चौड़ा, ये दोनों साइड में हम फोल्ड करके लगाएंगे, और गले साइड में भी लगाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारा बॉडी में पट्टी अटैच हो गया है दोनों साइड, और गले में हम कली हम दोनों साइड ज्वाइन करेंगे। देखिए, हमारा कली जॉइंट हो गया है। उस पर से हमने एक दाब का सिलाई लगा लिया, और हाल में एक दाब का हम फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा देंगे फोल्ड कर। देखिए, हाल में हमने एक दाब का फोल्ड करके सिलाई लगा लिया दोनों साइड। फ्रेंड्स, अब हम बैग रेडी करेंगे। बैग जो एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच का है उसमें हम कट लगा जो लगा लिया पहले, इसमें हम फोल्ड करके इस तरह रखेंगे। ये
इस तरह दोनों पल हम सेट करेंगे चेन के ऊपर। तो हम कपड़े के ऊपर एक बूट का सिलाई लगाएंगे दोनों पल्ले में, और चेन नहीं दिखना चाहिए, चेन को पूरा ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा बैग रेडी है, चेन बिल्कुल नहीं दिख रहा, देख लीजिए दोनों साइड हमारा फिनिश हो गया है। हम अब हाल ही में हम एक दाब का फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने हाल ही में भी एक दाब का फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। फ्रेंड्स हम बॉडी को दोनों साइड जॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने दोनों साइड सिला लगा कर जॉइंट कर लिया बॉडी को। देखिए बैक से एक इंच हमारा फ्रंट से बैक एक इंच हमारा लंबा रहेगा। हम कॉलर एक पल्ला जो कॉलर है इसमें हम एक दाब का फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे पहले। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने एक वाला पल्ले में पहले सिलाई लगा लिया, और इसी तरह हमें ऊपर साइड में हम सिलाई लगाएंगे एक बूट का। फ्रेंड देखिए हमारा सिलाई लगाने पर पलटने के बाद एक बूट और हम सिलाई लगा लिए ऊपर साइड। जो एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें हम बॉडी में अटैच करेंगे इसके लिए है, और हम सेंटर लगा कर एक कट कर देंगे कॉलर में, एक कट हम बॉडी में भी लगाएंगे सेंटर के लिए। फ्रेंड जितना मार्जिन है उतना हम कपड़ा छोटा उतना ही लेंगे। तो बैग वाला साइड में भी इस तरह से हमें रखना है, और जो पहले हमने जो फोल्ड किया है वो वाला हमारा बॉडी साइड जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सीधा लग गया है कॉलर में। देखिए अब हम इस तरह पलट कर सिलाई लगाएंगे दूसरे साइड, हमें कॉलर के किनारे में हम सिलाई लगाएंगे इस तरह। पेपिन हमारा एक बूट का दिखे इस तरह आपको सेटिंग करना है, ज़्यादा चौड़ा भी नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड देखिए हमारा बॉडी रेडी, काफ़ी खूबसूरत बॉडी दिख रहा है, और कलर भी बहुत फिनिशिंग है। फ्रेंड्स ये हमारा बैग वाला पार्ट है, देखिए काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। फ्रेंड्स ये हमारा बॉडी वाला पार्ट है। अब हम घेरे को दोनों साइड में जॉइंट करेंगे, और नीचे एक दाब का हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने घेरा हमारा रेडी है, सिलाई लग गया है। फ्रेंड्स अब हम बॉडी और घेरे को अटैच करेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारा घेरे अटैच करने के बाद खूबसूरत दिख रहा है पीस, और एक ब्रोच भी हमने लगा लिया।